इस सांसद बनने के बाद में इस मतदान क्षेत्र का जो भाग है, ये पूरा ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया होने से यहाँ पर अच्छा काम हुए, यहाँ की जनता के लिए, फार्मर्स के लिए अच्छा काम हुए, इसी के लिए हम कोशिश करेंगे और ग्रामीण की जनता की प्रगति हुए, इसी हिसाब से हम काम करने वाले हैं। मुझे इस क्षेत्र में सबसे पहले आरोग्य की सेवा, ग्रामीण एरिया होने से यहाँ हेल्थ की सुविधा का बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के PHC जो केंद्र होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं रहता, मेडिसिन उपलब्ध नहीं रहती, ऐसे इसमें गोर गरीब जनता को उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिलती, इसलिए हमारे यहाँ की गोर गरीब जनता बेचारी अपने गांव में ही मर जाते बगैर दवाई के। और उसी प्रकार से दूसरा, शैक्षणिक दर्जा यहाँ का बढ़ाना है। शहर का विकास बहुत फास्टली हो रहा है, लेकिन ग्रामीण का विकास बहुत स्लो चल रहा है, वो बढ़ाने के लिए हम कोशिश करने वाले हैं। हमारे 13 तहसीलों में 13 MIDCs है, लेकिन आज केवल वहाँ के 3 MIDCs में काम चल रहा है, अभी भी 10 MIDC खाली है। उसके बाद में यहाँ पर मिहान से ACZ, ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ की सरकार ने मिहान के नाम से, MIDC के नाम से जमीन एक्वायर किया, उसका डेवलपमेंट किया, लेकिन यहाँ पर रोजगार नहीं, मैंने जो कारखाना आने चाहिए थे, कारखाने नहीं आने से यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े उद्योग लाकर बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि यहाँ पर अगर मिहान और ACZ पूरा होता है तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अच्छी शिक्षा का जो स्तर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शिक्षा की योजना है, वो योजना का इम्प्लीमेंटेशन इस ग्रामीण भाग में होता नहीं है, और वो जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता तक वो योजना पहुंचाने के लिए मैं अपनी एक अलग व्यवस्था खड़ी करके उसका लाभ जनता को जरूर दूंगा। मैं ऐसा है कि रास्ते और ब्रिज के लिए जो गवर्नमेंट से पैसा मिलना चाहिए, उस प्रमाण में अभी हमारे यहाँ पैसा मिलता नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र की सरकार, ये दिवालिया हो चुकी है, सभी को मालूम है, तो भी हमारे यहाँ पे 5 साल पहले पंतप्रधान ग्राम सड़क योजना के रास्ते बनाए गए थे, अभी इस 5 साल में एक भी रास्ते का काम यहाँ पर हुआ नहीं। तो इस सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ला के या अच्छे से अच्छे रास्ते फंड उपलब्ध करा के हम अच्छे से अच्छे रास्ते बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। मैं अलावा जिस तरह पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात है, उसी तरह महिलाओं का भी रोजगार उपलब्ध होना चाहिए हर दृष्टि से उनके लिए। जब तक यहाँ इंडस्ट्री आएगी नहीं, तो तब तक ना महिलाओं को काम मिल सकता है और पुरुषों को मिल सकता है। लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली जो हमारे यहाँ कुटीर उद्योग बोलते हैं, मिर्ची मसालों का, हल्दियों का, हमारे यहाँ भी हल्दियों का उत्पादन हो रहा है, मिर्ची का बड़े पैमाने पे उपयोग होता है, तो इन सब का कुटीर उद्योग जो बोला जाता है, जिसके लिए बचतगढ़ बनाने पड़ते हैं, इसको इस माध्यम से डेवलप करेंगे और अच्छी तरह से उनका विकास करने के लिए प्रयास करेंगे। एक साल में तो ऐसा है कि उसमें के 6 महीना तो हमको सब पढ़ाई करने में, पार्लियामेंट समझने में निकल जाएगा, और उसके बाद कुछ हमारा काम होगा तो सबसे पहले मैं आरोग्य की सुविधा के लिए ही काम करने वाला हूँ। मेरा क्राइटेरिया है आरोग्य सुविधा और शिक्षण, उसी के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगा। और बाद में हमारे जो शेतकरी बांधव है, शेतकरी बांधव को जोड़ धंधा किस तरह हम दे पाएंगे, उसको ज्वाइंट बिजनेस किस तरह दे पाएंगे, इसके लिए मुझे पूरा कोशिश कर रहा है। बात ऐसी है कि नाबार्ड की बहुत सारी योजनाएं हैं जो युवकों को प्रोत्साहित कर सकती है, युवकों का उस माध्यम से अच्छी तरह से काम हो सकता है, उसको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेंगी, जोड़ धंधे मिलेंगे। अगर आज नौकरियां नहीं मिल रही है तो वो बिजनेस के माध्यम से और नाबार्ड की कई योजनाएं उसका लाभ उठा के इस युवकों को, युवतियों को आगे इस व्यवसाय में इन्वॉल्व करके उनकी प्रगति यानी देश की प्रगति, ऐसा मैं सोचता हूँ, इसलिए ये काम मुझे बड़े पैमाने पे करना होगा।